अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, सब कैसे? उम्मीद है कि सब ठीक ठाक होंगे। आज की इस वीडियो में आपके सबसे पूछे जाने वाले सवाल का कि इंग्लिश नहीं आती फ्रीलांसिंग कैसे करें, इस क्वेश्चन का मैं आपको आंसर करूंगी और बताऊंगी कि अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है तो आप बगैर इंग्लिश में एक्सपर्ट हुए या इंग्लिश अगर आपको नहीं भी आती, थोड़ी बहुत भी नहीं आती, मीन्स कि आपको बेसिक्स भी नहीं आते, उर्दू आती है, अगर आप पाकिस्तान में हैं उर्दू आती है, इंडिया में हिंदी आती है, आपकी कंट्री की कोई भी लैंग्वेज है आप उसमें भी फ्रीलांसिंग कर सकते हैं। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, इससे पहले अगर आप चैनल पर नए चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। अच्छा जी, अब बात करते हैं कि फ्रीलांसिंग आप लोगों ने किस तरह से करनी है। अगर आपने इंटरनेशनल फ्रीलांस मार्केट प्लेस टारगेट करनी है, जैसे कि फाइबर है, अपवर्क है, freelancer.com है, guru.com है, तो उसके लिए तो आपको लाजमी सी बात है इंग्लिश आनी चाहिए, ठीक है। अब इंग्लिश तो आपको आती नहीं है, आपने फ्रीलांसिंग कैसे करनी है? आप लोग फेसबुक से क्लाइंट फाइंड आउट कर सकते हैं। अब फेसबुक के ऊपर काफ़ी ज़्यादा ऐसे ग्रुप्स हैं जिसमें, फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अपनी मिसाल देती हूँ, जब मैंने 5 से 6 साल पहले स्टार्ट लिया था, मैंने फाइबर से स्टार्ट लिया था, जब मैंने फ्रीलांसिंग में स्टार्ट लिया था 5 से 6 साल पहले, तो मैंने सबसे पहले फेसबुक पे गई थी, क्योंकि मेरे पास प्रोजेक्ट्स बहुत ज़्यादा आ रहे थे, मैं अकेली हैंडल नहीं कर पा रही थी, ठीक है। तो मैं फाइबर पाकिस्तान ग्रुप के नाम से आपको ग्रुप मिल जाएगा, ये सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए है, मीन्स के फाइबर पाकिस्तान ग्रुप में मोस्टली जो है वो पाकिस्तानीज हैं। उस ग्रुप में आप जाएंगे, मैं उस ग्रुप में गई, उसमें मैंने पोस्ट की कि मुझे वेबसाइट डिज़ाइनर और डेवलपर चाहिए। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने कमेंट किया, मैंने उसमें से कुछ लोगों को इंटरव्यू किया, जो मुझे बेस्ट लगा मैंने उसको हायर कर लिया, ठीक है। जब उसको मैंने हायर किया तो अपने प्रोजेक्ट्स मैंने उसको आउटसोर्स करना शुरू कर दिए, ठीक है। अब वो भी तो फ्रीलांसिंग कर रहा है, किस तरह से कर रहा है, वो मेरे थ्रू फ्रीलांसिंग कर रहा है, ठीक है। उसके बाद भी फ्रीलांस प्रोजेक्ट्स आते हैं। इस तरह से आपने किस तरह क्या करना है कि आपने डिफरेंट ग्रुप्स में जाना है, अपने सर्विसेज बतानी है और ये बताना है कि मेरी स्किल ये है, मैं ये काम करता हूँ, मेरा वर्क एक्सपीरियंस ये है, ठीक है, आपने ये बता देना है। दूसरा भी ये है कि बहुत ज़्यादा एजेंसीज और काफ़ी एक्सपर्ट लोग ग्रुप्स में आते हैं, पोस्ट लगाते हैं कि उनको जो टैलेंटेड कैंडिडेट्स हैं वो चाहिए, ठीक है। तो उन पोस्ट पे आप लोग कमेंट करें, अपना एक्सपीरियंस बताएं, तो अगर आपका एक्सपीरियंस अच्छा है, पोर्टफोलियो अच्छा है, तो लाजमी सी बात है आपको वो हायर करेंगे, ठीक है। इसके अलावा इंस्टाग्राम है, मुझे फेसबुक और इंस्टाग्राम से ही अच्छा रिस्पांस मिला था, तो मैं आप लोगों को सिर्फ इसके बारे में बता सकती हूँ, बाकी मुझे ट्विटर का कोई आइडिया नहीं है और जितने भी बाकी सोशल प्लेटफॉर्म्स हैं उनका कोई आइडिया नहीं है। हाँ, अगर अगेन फिर वही बात होगी, ईमेल से भी आप लोग क्लाइंट्स ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको टारगेट करना पड़ेगा अपने पाकिस्तान को ही, ठीक है। अगर आपने इंटरनेशनल क्लाइंट के साथ काम करना है, उसके लिए आपको इंग्लिश आनी चाहिए। अगर आपने ईमेल से क्लाइंट लेनी है, तो फिर आपको डिफरेंट कंपनीज जो पाकिस्तान की हैं उनको पिच करना पड़ेगा, उनको लिखना पड़ेगा कि मेरा वर्क एक्सपीरियंस ये है, मेरी स्किल्स ये हैं, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, मैं आपकी कंपनी में एज अ फ्रीलांसर काम करना चाहता हूँ। तो अगर उनको किसी फ्रीलांसर की ज़रूरत होगी, क्योंकि अब तो कोविड की वजह से काफ़ी जो काम है वर्क फ्रॉम होम हो गया है, उसके अलावा भी कुछ लोगों के ऑफिस नहीं होते, वो फ्रीलांसर्स के साथ ही काम करते रहते हैं, ठीक है। तो इस तरह से अगर आपको इंग्लिश नहीं आती, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, आप इंग्लिश पे भी काम करें, अपनी बेसिक से स्टार्ट करें, इंग्लिश समझने की कोशिश करें, इंग्लिश बोलने की कोशिश करें, और अपवर्क पे जाएं, वहाँ पे डिफरेंट जॉब्स आ रही होती हैं, उसमें क्लाइंट ने इंग्लिश ही लिखी होती है, उसको समझने की कोशिश करें, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होगी, आपको पता भी चलेगा जॉब्स किस तरह से आती हैं। तो फ्रीलांसिंग को स्टडी करना मत छोड़ें, आपकी इंग्लिश भी इम्प्रूव होती रहेगी और आपको काम भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो ये थी आज की वीडियो, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कीजिएगा, जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल सब्सक्राइब कर दें, सब्सक्राइब कर दिया करें, ठीक है। अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।